हेलो गाइस, मैं बल्ब दास सर, आप लोग देख रहे हैं रामलेट न्यूज। तो हमारे पास एक जो एफएनडीएम मॉडल आता है होम थिएटर का, जो इस पे पावर सप्लाई प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरह से सही करेंगे और इसको कहां पर क्या फॉल्ट है आप लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये हमारे पास जो पावर सप्लाई खोला हुआ देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें ही फॉल्ट है हमारा, जो ये आप देख सकते हैं जल गया ऑलरेडी। तो इसको आप किस तरह से सही करेंगे और किसका कंपोनेंट लगा के इसको सही किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट जो ये रेजिस्टेंस वगैरह है फिल्टर का, वो यहाँ पर जल गया है आपका। ग्राउंड के जो भी रेजिस्टेंस है सोर्स टाइप के, जो मतलब सोर्स में जो सप्लाई जाते हैं मॉस्फेट के, तो यहाँ पर कंप्लीट रेजिस्टेंस जो है वो जल चुका है। मतलब इसका मतलब ये जो मॉस्फेट है तो ये भी ख़राब हो चुका है इसके साथ में, तो इसके साथ में ये ड्राइवर आई सी भी ख़राब हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप यहाँ पर मॉस्फेट लगा के भी देख सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि SFPS यूनिवर्सल के मॉडल आते हैं उसको आप यूज़ करके इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले इसको रिपेयरिंग करने के लिए। तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो डायोड है आउटपुट के सेक्शन में जो डायोड है पॉजिटिव नेगेटिव डायोड, इसको जोर से चेक कर लिया आपको मल्टीमीटर से। अगर डायोड शॉर्ट होगा तो आपको ये पावर सप्लाई जो है ये आपको रिपेयर नहीं होगा और आपको परफेक्ट तरीके से ये काम नहीं करेगा। आप जो भी ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करेंगे, मतलब जो भी यूनिवर्सल कार्ड आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके सबसे पहले आपको इसको डायोड को चेक कर लेना है सही है नहीं की, और कंटिन्यूटी से डायोड को चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें दूसरा इंस्टॉल करिए। और आपको क्या करना है, इसको जो मॉस्फेट है इस मॉस्फेट को आपको ओपन कर लेना है, मतलब इसको लगा कर नहीं रखना है, इसको खोल देना है। और इसके साथ में आपको यहाँ पर जो ये ड्राइवर आईसी है, इस ड्राइवर आईसी को भी आपको ओपन कर लेना है। अगर आप ये ड्राइवर आईसी ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो ड्राइवर आईसी का जो सप्लाई होता है थोड़ा बहुत, तो इसमें सबको स्पार्क होता रहता है, तो इसलिए आपको इसे ड्राइवर आईसी को भी खोल लेना है साथ में। और आपको ये रेजिस्टेंस जितने भी है इसको सारे को खोल दीजिए, उसके बाद ही आप इसको कनेक्शन करें। जो कि मेरे पास अभी 5-24 वोल्ट के जो मॉडल आता है यूनिवर्सली, इस मॉडल को है गाइस। तो हमने इसको जो एफएनडी का होम थिएटर है इसका पावर सप्लाई जो है वो कंप्लीट रिपेयरिंग कर चुका है, कर लिया हो फिलहाल। तो अभी आप लोग को इसका कनेक्शन जो है वो फिलहाल दिखा देता हूँ। तो इसके इसमें फीचर क्या क्या है, आप किसको और भी किस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो अलग से, तो इसमें बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम। तो गाइस, इसका जो असेंबल है तो हमने किस पकड़ से इसको किया हो तो आप लोग यहाँ पर दिखाऊँगा कम्प्लीट। तो यहाँ पर जो रेड वाला वायर है इसको हमने दे दिया हूँ मॉस्फेट के डायरेक्ट ड्रेन पे, और जो ब्लैक वाला वायर है इसको हमने दे दिया डायरेक्ट सोर्स पे जो निगेटिव है, तो मॉस्फेट के इस साइड में हमने इसको कनेक्शन कर दिया हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो बीच वाला पिन है इसका ड्रेन है, और साइड वाला पिन इसका सोर्स है, जो कि निगेटिव के साथ में मैंने इसको ऐसा अटैच कर दिया हूँ, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो भी था वो ख़राब हो चुका था, तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया हूँ। और हमने बोला था कि आपको इसके येलो वाला पिन जो है वो कहाँ पर लगाना है, तो इसका येलो वाला पिन यहाँ पर आया है जो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक यहाँ पर कोई भी सप्लाई हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आपको ये वाला जो ब्लू वाला वायर है इसको नेगेटिव पे डालना है, तो ये हो गया है पॉजिटिव। आप 5 वोल्ट से 12 वोल्ट 24 वोल्ट तक इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इसी ऑटो कपलर को यूज़ करना चाहते हो तो आपको इस ये वायर को देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस वाले किट से जो ऑटो कपलर के जो पिन नंबर आपका 4 नंबर पिन जो है, सिर्फ 4th नंबर पिन पे आपको ऑटो कपलर की 4th नंबर इस ऑटो कपलर पिन से 4 नंबर पिन से आपको इस ऑटो कपलर के 4 नंबर पिन पे आपको सप्लाई दे देना है, जो कि यहाँ पर। ये कब काम करेगा, जब आपका ये एरिया सही होगा ऑटो कपलर के, ऑटो कपलर के जो 12 वोल्ट सेक्शन जो सही होगा तो अभी आपका यहाँ पर काम करेगा, मतलब ये काम करेगा। तो यहाँ पर अगर कुछ कंपोनेंट ख़राब होगा तो आपको वो फार्मूला काम नहीं करेगा, तो उसके उससे अच्छा है आपको इस फार्मूला से काम कीजिए, तो ये अच्छा है। तो हमने इसको कम्प्लीट कर लिया हो, तो इस प्रकार से अब हम इसको पावर लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को। तो हमने यहाँ पर पावर दे दिया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं एफएनडी में लाइट जल चुका ऑलरेडी, स्टैंड बाई कर दिया हूँ, ये ऑन हो चुका है। तो
तो गाइस आप लोगों का अगर वीडियो पसंद आते तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को शायद पसंद नहीं आते इस तरह का टॉपिक। तो अगर पसंद आते हैं तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट्स की जरूर से कीजिए, क्योंकि ये पावर सप्लाई इसी तरह से बनाया जा सकता है कम खर्चा में। ये इसका प्राइस जो है ना, इसका प्राइस बहुत ही कम है। आपको ऑनलाइन में प्राइस देख सकते हो 200 के 300 के आसपास हो सकता है, उससे भी कम है। आपका अगर ऑफलाइन लेंगे तो उससे भी कम आपको ये प्राइस जो है उसका मिलेगा। ये यूनिवर्सल की जो मॉडल है ये सस्ता सस्ता में आता है, और भी अलग अलग ब्रांड का भी आ सकता है और आता भी है। आप उसमें से कम प्राइस में इसको रिपेयरिंग कर सकते हो और ये बेहतरीन काम करता है। बहुत ही आसान तरीके से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, जो मैंने आप कंप्लीट वीडियो आप में आपको दिखाया हुई यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहाँ पर भी समाप्त करता हूँ। तो आपका दिन शुभ हो, हमें आज चलते हैं घर पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।